कोलकाता में 8 और 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर मामले में जूनियर डॉक्टरों ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को लेकर राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की बात कही है। डॉक्टरों ने बताया है कि वे भूख हड़ताल की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भूख हड़ताल मंच पर CCTV लगाएंगे, ताकि हर कोई देख सके कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके पहले जूनियर डॉक्टरों ने न्याय की मांग को लेकर SSKM अस्पताल से एस्प्लेनेड इलाके तक रैली निकाली। दरअसल कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद जूनियर डॉक्टरों ने 10 अगस्त से 21 सितंबर के बीच 42 दिन तक हड़ताल की थी। राज्य सरकार ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म की थी।